हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत करता हूं मैं और यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज स्पेशली वीडियो बना रहे हैं सोडा शॉप मशीन, जो 2020 की सबसे लेटेस्ट मशीन है। हमारे कस्टमर का ऑर्डर आया हुआ था दोस्तों, उनकी मशीन कंप्लीट हो चुकी है, अभी डिलीवरी के लिए जा रही है, इसलिए आपके सामने में इसकी वीडियो की पूरी डिटेल आपको रख रहे हैं। आपको भी इस तरह का मशीन लेना है, खरीदना है, इंटरेस्टेड है बिजनेस करने के अंदर दोस्तों, तो आप वीडियो को पूरी देखिए। इसमें आपको डिटेल जानकारी मिलेगी कि बाकी सब कंपनियों में से हमारी कंपनी क्यों विशेष है, बाकी सब कंपनियों में से हमारी कंपनी में क्या खासियत है, हमारी मशीन क्यों अच्छी रहती है, बेस्ट क्वालिटी रहती है, उसकी कंपैरिजन हम आपको ये वीडियो के अंदर बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिए, जिससे आपको ज्यादा डिटेल नोटिफिकेशन जानकारी मिले। दोस्तों ये बिजनेस है सोडा शॉप मशीन का। आपने हर एक जगह पे देखा होगा, हर एक सिटी आपके आसपास में, एरिया में, गांव में, सब जगह देखा होगा कि इस टाइप की सोडा शॉप मशीन लगी रहती है, जिसके अंदर ग्लास 10 रुपए का, 8 रुपए का, 10 रुपए का, 15 रुपए का ग्लास देते होंगे। जैसे ऑरेंज है, लेमन है, लीची है, कोला है, फ्रूट बियर है, जीरा मसाला है, अलग अलग तरीके का फ्लेवर बिकता होगा मार्केट में। तो ये इस टाइप का मशीन का कॉन्सेप्ट है। ये मशीन आप कोई भी जगह पे, अपना खुद का शॉप है, कॉफी शॉप है, टी शॉप है, कोई किराना का दुकान है, या कोई भी आपका शॉप बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे, अच्छा मार्केट लोकेशन पे, क्राउडेबल एरिया पे, तो वहाँ पे आप मशीन को लगा सकते हैं दोस्तों। पूरी ऑटोमेटिक मशीन है, पावर सेवर कंप्रेसर सिस्टम है इसके अंदर दोस्तों, पूरी पोर्टेबल और वन सेटअप मशीन है। इसमें कोई चीज़ अलग से आपको लगाने का जरूरत नहीं है, जैसे कि पानी का टैंक अलग लगाओ, ये अलग लगाओ, फ्लेवर का टैंक अलग लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। एक ही सेटअप, एक ही यूनिट है, वन पीस मशीन है, एक ही पीस, कहीं पर भी आप मूवमेंट करो इसको, इसमें नीचे व्हील दिए गए, कहीं पर भी आप इसको मूवमेंट कर सकते हो। बिजनेस के बारे में बता देवे दोस्तों, तो इसमें जो फ्लेवर बनता है, उसका फ्लेवर का एक ग्लास बनाने का खर्चा आपको, जो 250 ml से 300 ml का जो फ्लेवर रहती है, उसका एक फ्लेवर बनाने का खर्चा आपको 1.80 रुपए का खर्चा गिरेगा आपको, ठीक है। आपको मार्केट में इसका सेलिंग प्राइस है 8 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, कोई भी रेट पे सेल कर सकते हो दोस्तों। नॉर्मल प्राइस 8 रुपये में तो बिकता ही है दोस्तों, कम से कम 250 ml का ग्लास। एक ग्लास बनाने का खर्चा 1.80 रुपया। इसके अंदर आ गया फ्लेवर, आ गया शुगर, आ गया डिस्पोजल ग्लास, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, आदमी का खर्चा, जो आपने रोज का आदमी रखा है 500 रुपये के लेबर के चार्ज के ऊपर, वो भी खर्चा आ गया उसमें 1.80 रुपये में। आप इसको कम से कम 8 रुपये में एक ग्लास सेल कर सकते हो दोस्तों। मोर देन आपको 60% प्रॉफिट रेशियो है ये बिजनेस के अंदर। तो दोस्तों हमारे कस्टमर है राजू भाई करके, उन्होंने हमको ऑर्डर दिया था मशीन का, उनकी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। 6+2, जिसके अंदर से 6 सोडा वाला फ्लेवर निकलेगा, 2 जूस वाला निकलेगा। सोडा वाला मतलब कि जैसे स्प्राइट है, फेंटा है, लिमका, फ्रूट बियर, कोला, जीरा, जो हमको कस्टमर ने बोला था वो नाम लिख दिया। प्लस जूस में आपको मैंगो है, माजा है, लीची है, रोज वाटर है, फ्रूट बियर है, कोई भी आप जूस वाले फ्लेवर में फील कर सकते हो। पूरी मशीन स्टेनलेस स्टील से बनाई गई है दोस्तों, जिंदाल कंपनी का स्टील हमने यूज किया है इसके अंदर, जिंदाल कंपनी के पाइप यूज किए, प्लस जिंदाल कंपनी का स्टील का शीट यूज किया हुआ है दोस्तों। कोई भी जगह पे, कोई भी स्टील में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर आपको एग्जांपल देखना है तो आप ये देख सकते हो हमारी क्वालिटी दोस्तों। ये स्टील का क्वालिटी देखिए दोस्तों, आप स्टैंडर्ड क्वालिटी का मिरर पॉलिश स्टील यूज किया गया दोस्तों हमने इसमें। बाकी सब जगह तो दोस्तों हमने यहां पे टिकरिंग पेस्टिंग कर दिया, इसलिए वो स्टील नहीं दिखा गया, इसलिए हमने आपको स्टील दिखाया है। और यहाँ पे ड्रेनेज है, जो वेस्टेज गिरता रहता है या कुछ बूंद बूंद गिरता है तो नीचे ड्रेनेज में चला जाता है, यहाँ पे चिकना या खराब नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे हमने डिजिटल काउंटिंग सिस्टम लगा दिया है, अगर आप खुद नहीं बैठना चाहते हो, कोई लड़के को बिठाना है आपको, कोई आदमी को बिठाना है वहाँ पे, तो आप ए नंबर यहाँ पे लिख, ये यहाँ पे काउंटिंग सिस्टम है, इसके अंदर आपको मालूम हो जाएगी दोस्तों कि कौन सा फ्लेवर का कितना ग्लास आपकी मशीन में से निकला है। आपको कोई लड़का है तो रोज शाम को आके उसको नहीं पूछना है कि कितना बेचा, का भाई तूने 1000 ग्लास बेचा के 1200 ग्लास बेचा, मशीन खुद बताएगा दोस्तों। लड़के ने बेचा है 1200 ग्लास, आपको बच्चा है बताएगा 800 ग्लास बेचा है, 400 ग्लास का हिसाब नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ये मीटर आपको स्पेशली वो चीज के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि आपको आके लड़के को नहीं पूछना है, खाली डिस्प्ले में चेक कर लेना है कि कितना ग्लास बिका है, कि दिन में 1500 ग्लास बिका है, 1500 में कौन सा कितना बिका है, जैसे कि ऑरेंज कितना है तो ऑरेंज 200 बिका है, तो वो कैसे मालूम, तो डिस्प्ले ही बताएगा आपको कि ऑरेंज 200 है, जीरा मसाला 500 है, फ्रूट बियर है 300 है, दूसरा कोई फ्लेवर है 200 है, तो वो सब चीज डिस्प्ले ही आपको खुद बताएगा दोस्तों, आपको कहीं पूछने का देखने का जरूरत नहीं है दोस्तों। प्लस इसके अंदर अगर आप सिम कार्ड लगा देते हो, जैसे सिम कार्ड मोबाइल में लगता है, ऐसे कार्ड आता है, इसका सिम कार्ड लगा देते हैं, तो जब मशीन का कोई भी लड़का बंद करता है, जैसे रात को शाम के टाइम पे मशीन का स्विच ऑफ होता है, जैसे मशीन का स्विच ऑफ होगा आपके मोबाइल नंबर पे SMS आ जाएगा कि कौन सा ग्लास कितना बिका है, टोटल पूरे दिन में कितने ग्लास बिके, वो सिस्टम भी आप कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोलर है, डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर है,
इसके अंदर आपको कितना चिलिंग है, मशीन के अंदर कितना ठंडक है, वो आपको वहां से सेट करना है। जैसे मौसम बदलते रहते हैं, जैसे ठंडियों का मौसम है, गर्मी का मौसम है, बारिश का मौसम है, तो ठंडियों के मौसम और गर्मियों के बारिश के मौसम के अंदर कस्टमर इतना ज्यादा ठंडा चिल नहीं मांगता है। तो वो हिसाब से आप डिस्प्ले पे सेट कर सकते हो कि भाई इतना ही ठंडा चाहिए हमारे को। जैसे गर्मियों का मौसम है वो टाइम पे फुल चिल चाहिए लोगों को, फुल ठंडा चाहिए, तो वो हिसाब से अब इसमें ऑटो सेट करके फुल ठंडा निकालो सोडा, तो ऑटोमेटिकली आप इसको सेट कर सकते हो। ठंडा गर्म कैसे करना वो भी सेट कर सकते हैं। प्लस वाल में यहाँ पे सेटिंग हमने दिया है जिसमें आपको स्वीटनेस, जैसे कोई कस्टमर आए, दो चार कस्टमर आपको कंप्लेंट किए कि भाई आपकी सोडा थोड़ी ज्यादा स्वीट है, मीठी है, तो मशीन के अंदर से आप ऑटोमेटिकली 2 सेकंड के अंदर वो स्वीटनेस को कम कर सकते हैं। आपको फ्लेवर नए से बनाने का जरूरत नहीं है दोस्तों, मशीन के अंदर ही वो सिस्टम डाला हुआ है जिससे आप 2 ही सेकंड के अंदर स्वीटनेस को कम कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे कस्टमर आके बोलेंगे अरे भाई आपका तो स्वीटनेस बहुत कम है, लाइट स्वीटनेस है, मीठा ही नहीं लग रहा है, तो भी आप 2 सेकंड के अंदर उसको मीठा बढ़ा सकते हो। फ्लेवर चेंज करने की जरूरत नहीं है, ना तो फ्लेवर में शक्कर ऐड करने की जरूरत है, वही फ्लेवर चलेगा आपका। लेकिन वाल में से आपको यहाँ से सेटिंग करना है जिससे स्वीटनेस बढ़ा सकते कम कर सकते दोस्तों। मशीन का हम आपको थोड़ा साइड लुक बताएंगे दोस्तों, ये मशीन का साइड लुक है पूरा, पूरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीन बनाया है। अगर आप मशीन लगाते हो नो डाउट गारंटी देता हूं मैं दोस्तों के लोग देखने के लिए आएगा कि आपने कैसा मशीन लगाया है। जिन्होंने पहले दूसरी कोई ब्रांड का मशीन लगाया वो लोग देख के भी पछताएंगे कि भाई नहीं हमको डॉल्फिन कंपनी क्यों नहीं मिली, पहले हमने क्यों उनका कॉन्टैक्ट नहीं किया। ये मशीन देख के दूसरे लोग पछताएंगे दोस्तों, क्योंकि हम क्वालिटी देते हैं दोस्तों, हम प्राइस में कंप्रोमाइज़ नहीं करते, हम सस्ता नहीं बेचते, हम क्लियर बोलते हैं दोस्तों फेस पे कि मार्केट से हमारी मशीन महंगी पड़ेगी। उसका रीजन है कि हम हर एक चीज ब्रांड का क्वालिटी का यूज करते हैं जिसकी वजह से हमारी मशीन महंगी रहती है दोस्तों। पूरी मशीन स्टील के ऊपर है, इसका यहाँ पे डोर भी जो रहता है दोस्तों ये भी हमने पाइप के ऊपर बनाया है। देखिए ये पाइपिंग के ऊपर डोर भी बनाए, कई लोग क्या खाली पत्रे के ऊपर डोर बना देते हैं, हमने पाइप के ऊपर डोर बनाया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप जितना भी फ्लेवर का टैंक है आपका 6-8 जो भी टैंक है यहाँ पे स्टोर कर सकते हो अंदर। इसको यहाँ पे बंद करके यहाँ पे लॉक कर देना, ये लॉकर है इसका, ये लॉक हो चुका है, दरवाजा अब नहीं खुलेगा दोस्तों। यहाँ पे इनबिल्ट वाटर टैंक है, अलग से पानी का टंकी नहीं लगाना है। इसमें 2 टैंक दिया गया, एक ऑनलाइन चिल्लर है जिसके अंदर पानी ठंडा माइनस टेम्परेचर होगा, यहाँ पे जो पानी रहेगा वो अपना जो सोडा बन के आपको फ्लेवर बन के पीने में काम आएगा, वो मशीन यहाँ से पानी खींच के आगे सप्लाई देगा। ये 50 लीटर का टैंक है, 20 लीटर का आरओ का बाउल ऊपर कर देना है। सबसे पहले आरओ का बाउल खत्म होगा, उसके बाद ये टैंक खत्म होगा। जैसे बाउल खत्म हो जाता है आपको दूसरा नया बाउल इसमें ऐड कर देना है दोस्तों। और जो ये टैंक है ये भी हमने केमिकल फिल करके बनाया हुआ है दोस्तों, खाली पत्रा नहीं है, खाली सीट नहीं है, ओनली सीट नहीं है दोस्तों, इसके अंदर पूरा केमिकल फिल किया है। उसका कारण क्या होता है, उससे फायदा क्या होता है, केमिकल फिल करने से क्या फायदा होता है, उससे फायदा वो होता है दोस्तों के गर्मियों के मौसम में बाहर की जो हीटिंग रहती है वो अंदर नहीं घुसती है, अंदर की जो ठंडक है वो बाहर नहीं निकलती है, ट्रांसप्लांट रहता है। अगर आप यहाँ से पूरा आग जला देंगे ना पूरा, लेकिन अंदर हाथ अड़ेंगे ना तो जरा भी आपको हीट नहीं होगा कि गर्म हुआ है, लेकिन यहाँ पे पूरा लाल लाल हो गया होगा आग जलाने से, तो पीछे आपको अंदर हाथ डालेंगे तो मालूम नहीं होगा। तो केमिकल ट्रांसप्लांट का काम करता है, अंदर का बाहर नहीं निकलने देता है, बाहर का अंदर नहीं जाने देता है। तो केमिकल हमने 4 इंच का मोटा केमिकल फिल किया हुआ है जिसमें गर्मियों के मौसम में बाहर की हीटिंग अंदर नहीं जाएगी, जिससे पानी गर्म नहीं रहेगा आपका, पानी गर्म नहीं रहेगा तो मशीन को लोड उतना कम गिरेगा दोस्तों। तो ये सब चीज बहुत ही टेक्निकली चीज जानने लायक है दोस्तों, जाननी चाहिए आपको। आप मशीन खरीद रहे हो दोस्तों, इतना बजट ले रहे हो तो कुछ जानिए, कुछ देखिए दोस्तों, एकदम सस्ते के पीछे मत भागिए दोस्तों कि वो हमारे को इतना सस्ता देता है, ये नहीं सस्ता क्यों देगा दोस्तों, कोई नुकसान पे तो किसी का काम नहीं करेगा ना दोस्तों। अगर आप 1.5 लाख में मशीन खरीदते हो किसी की, ठीक है, तो वो कम से कम 15-20 हजार तो उसका प्रॉफिट कमाएगा, तो वो आपको 1,30,000 वाला माल देगा। कोई 1,20,000 में आपको मशीन देगा तो आपको लाख वाली मशीन देगा, कोई 1 लाख में मशीन देगा तो आपको 80,000 वाला मशीन देगा, ठीक है, क्योंकि वो कोई नुकसान पे कोई काम नहीं करेगा दोस्तों, हर एक प्रॉफिट के ऊपर ही काम करेंगे हर एक लोग। तो वही हिसाब से हम बोलते हैं दोस्तों, आप कोई भी ब्रांड का यूज करिए, अच्छा में अच्छे स्टैंडर्ड क्वालिटी यूज करिए, जिससे आप अपना भी बिजनेस बढ़ा सके, अपने लोगों का भी बिजनेस बढ़ा सके, अपने आसपास के लोगों को भी उसको दे सके क्वालिटी, जो अपने सोच है, जो आपने सोचा है कि भाई हम देंगे वो चीज तो आप दे सको, उसके हिसाब से हमने स्पेशली क्रेट मशीन की है। वैसे हमारी डॉल्फिन कंपनी बहुत सारी मशीनें बनाती है, जैसे सोडा मशीन है, सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन है, मोबाइल सोडा मशीन, गाड़ी में जो मशीन लगती है वो बनाती है, सोडा फिलिंग प्लांट बनाती है, ऑटोमेटिक सोडा फिलिंग प्लांट बनाती है। ये ऑटोमेटिक सोडा फिलिंग प्लांट है हमारी, आप देख सकते हैं जिसके अंदर ये टाइप का बोतल बनता है, यहाँ पे बोतल दिखा है ना, ये बोतल का डिस्प्ले दिख रहा है आपको,
ये टाइप का बोतल इसमें बनता है दोस्तों। 50 ml से लेके आप 5 लीटर तक का बोतल इसमें भर सकते हो। पूरी मशीन ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक बोतल रख के यहाँ पे इसका कैपर है ऑटोमेटिक, इसके अंदर कैपिंग जाएगा, ऑटोमेटिक कैपिंग हो जाएगा। ये भी मशीन हमारे कस्टमर के ऑर्डर की है दोस्तों, हमें डिलीवरी कर रहे हैं मशीन। टोटल 3 चिल्लर आएंगे इसके अंदर, पूरी हैवी ड्यूटी मशीन है। तो हर एक तरीके की हम मशीन रखते हैं दोस्तों, आइसक्रीम मशीन चाहे बॉटलिंग प्लांट, सोडा मशीन, मोबाइल सोडा मशीन, शुगर कैन मशीन है, स्लस मशीन है, जूस डिस्पेंसर है, बहुत सारी मशीन हमारे पास है। तो एक बार हमारी कंपनी में जरूर कॉन्टेक्ट करिए दोस्तों, भले आपको लेना है नहीं लेना है वो आपकी बात है, 2 नंबर की बात है, लेकिन एक बार कॉन्टेक्ट जरूर करिए, तो आपको ज़्यादा हम डिटेल दे पाएंगे, ज़्यादा जानकारी हम पूरे पूरा हम पैकेज साथ में देते हैं। जैसे कंप्लीट मशीन है, उसका स्टैंड है, पूरी स्टिकरिंग है, आपको जैसा स्टिकरिंग चाहिए, आपको जैसा डिजाइन चाहिए, कलर चाहिए, जो नाम लिखना है, नंबर लिखना है, वो सब आपको करके देते हैं। पूरी मशीन की पैकिंग वुडन बॉक्स में पैकिंग करके देते, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है दोस्तों। मशीन के साथ 10,000 ग्लास का फ्लेवर है, उसका CO2 गैस का सिलेंडर है, पूरा आपको स्पेयर पार्ट किट है मशीन में, जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है उसका स्पेयर पार्ट का किट बना के देते हैं, जिसकी 5-7 हज़ार रुपये कीमत रहती है दोस्तों। मशीन की ट्रांसपोर्टेशन ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज मतलब एग्जाम्पल तौर पे कि लखनऊ एक डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट लखनऊ में आएगा। अगर लखनऊ में आपके दूसरा कोई गाँव है छोटा, तो वहां तक नहीं आएगा। 50 किलोमीटर दूर आपका गांव है तो वहां तक नहीं आएगा दोस्तों, लखनऊ से आपको मशीन उठानी पड़ेगी। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज हम आपको मशीन की फ्री डिलीवरी देंगे, मशीन को फिटिंग और ट्रेनिंग के लिए हमारी टीम आएगी, आपके वहां 1 से 2 दिन रुकेंगी, पूरी मशीन फिटिंग करेंगी, आपको समझाएंगे, सब फ्लेवर बना के दिखाएंगे, स्वीटनेस कैसे बढ़ाना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, काउंटिंग कैसे सेट करना है, उसको रिसेट कैसे करना है, हर एक जानकारी, हर एक डिटेल हमारी टीम आपके वहाँ पर आके देगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो एक बार जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल का अगर हमारी चैनल में आप नहीं आए हो तो दोस्तों एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले हमारे नए नए प्रोडक्ट, नई नई डिटेल्स, नए नए वीडियो, नई नई डिजाइन सबको देखने मिले दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो। थैंक यू।